जी बाबर तो मेरा मतलब है अब तो सीजन कप्तान उसको कहना चाहिए कि जी पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी कर रहा है और बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि जी जितनी ज़्यादा कैप्टनसी करेगा उतना ज़्यादा उसके पास सीखने का मौका है, तो ये तो अच्छी चीज़ है बहुत। दूसरी, जहाँ तक शाइन को कैप्टनसी दी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि यंगस्टर्स को आप कप्तान बनाए ताकि अगर कल उनको पाकिस्तान का कैप्टनसी का मौका मिले तो ऐसा ना हो कि जी उसने कहीं कप्तानी ना कर रखी और डायरेक्ट पाकिस्तानी कैप्टनसी करे, तो इस चीज़ को ज़रूर होना चाहिए। और इस चीज़ को जिस तरह ये लाहौर वालों ने किया, फ्रेंचाइज वाले करते हैं, इस तरह पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में भी आना चाहिए। जिसको भी बोर्ड समझता है कि जी वो कैप्टनसी मटीरियल है या कल वो उसको कैप्टनसी उसमें देख सकते हैं, तो उसको ज़रूर है ना, जो हमारे लोकल टूर्नामेंट्स भी होते हैं उसमें भी उनको कैप्टनसी देनी चाहिए। और जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो उनके साथ खेल रहे होते हैं तो उनकी गाइडेंस उनको मिलती रहती है क्योंकि उनसे उनको सीखने का बहुत मौका मिलता है। ये नहीं है कि जी सीनियर प्लेयर को हम डीग्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनकी रहनुमाई बड़ी ज़रूरी होती है उनके लिए, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इकदाम है इस चीज़ का। ये मेरे लिए ऑनर की बात है सारों से पहले, क्योंकि जी मुझे ऑनररी प्रेसिडेंट बनाया गया पेशावर ज़िलमी का, तो मैं सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ पर। और जिस तरह अभी सुभान साहब ने बताया कि जी हायर का ये 2021 जुलसा था वो सारे सालों से बेहतर था, तो इंशाल्लाह मैं ये तवक्को करता हूँ कि जो 2022 है हायर के लिए भी और जलमी के लिए भी सारों से बेहतर ईयर हो, क्योंकि जी दोनों अपने उसमें तरक्की करें। और ठीक है जी, जो मेरे ज़िम्मे काम है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जी उसको बेहतरीन तरीके से उसको निभा सकूँ, तो बहुत मेहरबानी। थैंक यू।